चल चल एक और आएगा, चल चल। हेलो गाइस, मैं हूं सनी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी थोड़े देर पहले ना एक बुक पढ़ रहा था और वो जो बुक है उसका नाम है जीत आपकी। ये बुक शिव खेड़ा जी का है। अगर आपके पास ये बुक होगा ना तो इसमें एक स्टोरी है। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर आई थिंक हाँ ये 2 में है, फर्स्ट स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि हम लोगों का एटीट्यूड, अगर हमारा एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आई थिंक कि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जो हम नहीं भी करना चाह रहे हैं और अगर थोड़ा लगता है कि भाई नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए करना, तो अगर आप इस स्टोरी को अच्छे तरीके समझ लो तो आई थिंक आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। तो एक गाँव में एक आदमी रहता है जो कि मेले में जा करके हमेशा गुब्बारे बेचता है। उसके पास ना बहुत सारे तरह का गुब्बारे रहता है। लाल रंग के गुब्बारे होते हैं, पीले रंग के गुब्बारे होते हैं, नीले होते हैं, हरे होते हैं और बहुत सारे तरह के गुब्बारे उसके पास होते हैं। तो होता यूँ है कि जब भी इस गुब्बारे वाले की मतलब कि गुब्बारे का जो बिक्री जो होता है ना कम होता था, तो वो करता क्या था ना कि हीलियम गैस जो है उस गुब्बारे के अंदर भर के हवा में छोड़ देता था। अब जब भी ये जो गुब्बारा होता था हवा में आसमान में जाता था तो बच्चे लोग उसको देखते थे, एक्साइटेड होते थे और अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि पापा मुझे ना वही गुब्बारे लेनी है। ठीक है, तो बच्चे अपने फादर्स को लेकर के या पेरेंट्स को लेकर के उस गुब्बारे वाले के पास जाता था गुब्बारे खरीदने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी तरह ये जो गुब्बारे वाला था जब भी उसका बिक्री कम होता था वो हमेशा क्या करता था, गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरता था और आसमान में छोड़ देता था और फिर से उसका जो बिक्री है फिर से हमेशा बढ़ जाता था। तो एक दिन गुब्बारे वाला फिर से मेला गया था। तो क्या हुआ ना कि पीछे से एक बच्चा उसके जैकेट को खींच रहा था, तो गुब्बारे वाला पीछे की ओर मुड़ा और देखा कि एक बच्चा है जो उसके जैकेट को खींच रहा है पीछे से। तो बच्चा उससे पूछता है, अंकल मुझे आप एक बात बताओ, ये जो आप गुब्बारे लाल पीले हरे नीले गुब्बारे जो आप छोड़ते हो, अगर उसके जगह पे हम काले रंग के गुब्बारे में गैस भर के अगर हम ऊपर हवा में छोड़े, आसमान में छोड़े, तो क्या वो उड़ेगा? इस बात को जब ये बच्चा बोला ना तो गुब्बारे वाला का होश उड़ गया उसका जवाब ये सुनकर कि या ये भाई ये आखिर पूछ क्यों रहा है ऐसा। तो इस गुब्बारे वाला ने उसे कहा कि बेटे ये जो गुब्बारा है ना वो अपने रंग से नहीं उड़ता है, लाल पीले हरे रंग गुलाबी ये अपने रंगों से नहीं उड़ता है, इसके अंदर जो है ना चीज़ें उसकी वजह से उड़ता है आसमान में ये। तो दोस्तों हमारे अंदर भी ना बस सेम सिचुएशन है। अगर आपको उड़ना है, आसमान में पहुंचना है ना, ये मत देखो कि भाई इतने बड़े लोग हैं, इसके पास पैसे हैं, इसके पास कार हैं, उसके पास सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास बस सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए कि मुझे वो काम करनी है, तो आप बिल्कुल लाइफ में कर सकते हो, श्योर है आपको कोई नहीं हरा सकता फिर। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ना एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स, उसने भी यही कहा है कि अभी का टाइम में सबसे बड़ी खोज ये है ना कि अगर इंसान चाहे तो अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड बदल कर अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। और ये 100% ट्रू है, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो जिसके पास हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जिसके पास नहीं है अगर वो कुछ करना चाहता है लाइफ में तो कहीं ना कहीं से कैसा ना कैसा करके अपना जुगाड़ करके वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर आप अपना लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो भाई अपने अंदर का एटीट्यूड को बदलो, दिखाओ और अंदर से हिम्मत करो। जब तक अपने अंदर से आप नहीं हिम्मत करोगे ना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने हिम्मत कर लिया उस दिन तो आप सब कुछ पा सकते हो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोगों को कि वैसे तो मेरा टाइम हो गया जिम जाने का और अभी टाइम हो चुका है 3:42, तो आई थिंक हाफ एन आवर मैं जिम भी निकलूंगा, तो उसके लिए मैं अपना प्री वर्कआउट मील भी ले लूँगा, फिर चलते हैं वीडियो कंटिन्यू करेंगे जिम पर जा करके, है ना। तब तक के लिए आप ब्लॉग पर बने रहो। फाइनली जिम जाने का टाइम हो चुका है, उससे पहले मैं जा रहा हूँ, जस्ट घर के सामने एक दुकान है जहाँ पे फ्रूट्स का शॉप है,
वहाँ से पहले हम लेके आएंगे केले, जो भी होगा केले लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर घर पे ये कॉफ़ी होगा तो कॉफ़ी पी लेंगे, क्योंकि कैफ़ीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट के लिए अगर जा रहे हो, कोई ड्रिंक अगर अगर आपको लेना है तो सबसे बेस्ट होता है आपके लिए वो है कॉफ़ी। तो भाई साहब, इतने बुरे दिन चल रहे हैं अभी, क्या ही बताऊँ आपको। गया मैं बनाना लेने के लिए, केला लेने के लिए, तो दुकान में केले ही नहीं थे, तो उसके जगह मुझे ये लेके आना पड़ा नेस्कैफे का। ये 2 रुपीज़ वाले कॉफ़ी है, तो अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। इसको देखते हैं, और उसके साथ मैं लेके आया हूँ अपना। हमारा हो चुका है बैक का पूरा एक्सरसाइज। मैंने इसमें 5 एक्सरसाइजेस किए हैं, 3-3 सेट करके, हर एक का 15 रेपिटेशन करके लिया है। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं बाइसेप्स के, जो कि हम यूज़ करें रॉड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना बाइसेप्स की वर्कआउट को। बाकी बाद अभी पंप तो आया है, आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी की बॉडी कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, उसके बाद देखते हैं बाइसेप्स करने के बाद क्या होता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7:30 का, देखते हैं विशाल वैसे कितना होता है। इसके बाद फिर मेरा है, मैक्सिमम 10 तो जाएगा इसमें, 7:30 का है, मतलब कि ईच साइड 7:30 का रॉड है 20 kg का। बाकी बाद आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, विशाल भी ऐसा 9 गया। अब देखते हैं मेरा कितना जाता है। We'll be right back.
मेरा 12 गया है, विशाल भी आया का 9 गया था, मेरा 12, इसके बाद यूज़ करेंगे 10, देखते 10 कितना जाता है। 10 का आई थिंक 6, 7, 8 तो जाना चाहिए, मिनिमम 8 तो जाना चाहिए। एक, दो, चार, तीन, चल चार, चल चल एक और आएगा, चल चल हो। चार गया, चार चार गया। चलिए आप देखते हैं मेरा। Pumping. Pumper.